हाय गाइस, तो रात मैंने मेहंदी लगवाई थी। ये देखिए कितना शानदार कलर आया है। ये देखो, और हाँ ये देखो उनका नाम भी। एक्चुअली काम हो गया है, सुबह की चाय ले ली है, उससे पहले उठ करके अपना नींबू पानी पिया। नींबू पानी पीने के बाद में फिर मैंने मतलब नहाई, पूजा पाठ करी अपनी भगवान जी की, और चाय वगैरह पी ली है। और अब मैं रेडी होंगी अपनी तीज के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ तीज के लिए। मुझे बहुत पसंद है ये त्यौहार। सावन में किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो हेड वॉश किया था, ये देखिए बाल सुखा रही हूँ क्योंकि उमस बहुत है। अब ये डिसाइड करूँ कि सूट पहनूँ कि साड़ी पहनूँ, बट ना जो भी पहनूंगी आपके साथ शेयर करूँगी। और एक सूट है ग्रीन कलर का, बहुत प्यारा है वो, बहुत ही सुंदर है। बट मैं उसे ना एक बार उसे पहन के वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। सूट बहुत सुंदर है, ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर का ही महत्व है आज के दिन। तो हो सकता है ज़्यादा गर्मी है तो मैं साड़ी ना पहनूं, बट ना साड़ी मेरे पास एक ग्रीन कलर की, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी साड़ी है। तो वो प्लेन है और उसका जो ब्लाउज है वो बॉर्डर वाला है। तो देखती हूँ ट्राई करती हूँ क्या पहनूंगी मैं। तो जो भी पहनूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। अब फिलहाल बच्चों को देती हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलती हूँ। भलाई बहुत ज़्यादा हो गई थी तो आज तो घी निकालना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे निकालूंगी। उसके बाद चाय बन रही थी यहाँ पर, और बस ये देखिए भगवान जी मेरे, पूजा कर ली थी मैंने। और वेदर मतलब बहुत अच्छा हो रहा था, लग रहा था जैसे बारिश आएगी, और आई भी थी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी सी देर आई और फिर गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल आए हुए हैं, बहुत ही सुंदर। बारिश जरा सी होकर बंद हो गई थी तो उमस हो जाती है ना इस तरीके से। और ये देखो मेरे को, मैंने जो चाय बनाई थी ना, ये देसी जुगाड़ा। अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है ना तो 100% डिप करो और खा लो। आई थिंक जितने भी लोग मोस्टली देख रहे हैं ना बहुत पसंद करते होंगे, क्योंकि मेरे को बचपन में बहुत अच्छा लगता था ऐसे। तो आजकल बस बचपन का भी कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ। इसमें मैंने इनको डिप किया, चाय पी, और बहुत अच्छा लग रहा था। बेटे के साथ मस्ती जा रही थी, वो भी मेरी तरह ही खा रहा था और खुश हो रहा था कि मम्मी बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से। देखिए गाइस, ये है हमारा बाला 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 शैतान का साला। कितना क्यूट है ये बाला बाला बाला। ये बहुत ही प्यारी गुड़िया है, यहाँ खेलती रहती है, मेरे पास आती रहती है। तो ये आ जाती है, बहुत हमेशा हंसती रहती है, बहुत प्यारी है। और देखिए मैं रेडी हो गई थी, तो ग्रीन कुर्ती मैंने वेयर की थी, जिसके साथ पैंट थी और सिंपल ही कुर्ती थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। इसके साथ मैं एक मेकअप वीडियो शूट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। ज़्यादा कुछ नहीं किया था, नेल पेंट लगाई थी बस, चूड़ियाँ डाली थी, और ये बिंदी प्यारी सी। हेड वॉश किया हुआ था तो बाल गीले थे, इसलिए कोई स्टाइल नहीं किया, सीधा पफ बना लिया छोटा सा टू साइड। कमेंट करके बताइएगा कुर्ती मेरी कैसी लग रही थी आपको। तो गाइज मैं रेडी हो गई, सिंपल मेकअप, कुछ नहीं किया है ज़्यादा, हल्की सी क्रीम, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर। हाँ नेल पेंट लगाया है ग्रीन वाला, और चूड़िया ये देखो, ये देखो अच्छी लग रही है ना। तो बस बज रहे हैं 12:30,
एक्चुअली सुबह नहा धो के ना सिर्फ सादा कपड़े पहन के पूजा कर ली थी, क्योंकि और भी काम रहता है घर का, तो सुबह की पूजा बहुत इम्पोर्टेंट होती है, यानी आज ही है डेली के लिए, और ईश्वर करे कि हमेशा बस इतना मौका दे कि सुबह सुबह पहले उनका नाम ही आए जवान पे और पूजा हो जाए, बाकी चलते रहता है सब। और रूटीन है डेली का, घर का काम अपना, घर का बाहर का कोई भी काम है वो आगे बढ़ते रहते हैं आगे आगे। तो बस ये दिखाना था, देखो ग्रीन सूट मेरा, ये देखो इसके साथ पैंट है बड़ी प्यारी सी, और सिंपल सूट है और इसमें टैसल दिया हुआ छोटा सा, ये देखो लटकन। तो ये मैंने लिया था लास्ट मंथ, आई थिंक 2 महीने हो गए इसको लिए हुए, तो मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन कलर का लहंगा भी है, साड़ी भी है, सूट भी है, बट पता नहीं जब गर्मी लगती है ना तो पता नहीं मेरा मन ही नहीं करता है एक्चुअली पहनने के लिए, या फिर ये सोच लो कि शाम को देखती हूँ, अगर लुक चेंज करती हूँ, अगर यहाँ बारिश नहीं हुई इवनिंग में तो मैं आपको दिखाऊंगी, एक जगह जाऊंगी बहुत प्यारी, वहाँ पे फंक्शन है, अगर मैं वहाँ जा पाई तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी बस मैं ये दिखा रही थी आपको, रेडी हो गई हूँ मैं, बाल लेकिन मैं बांधूंगी क्योंकि बाल बांध के काम, खोल के काम नहीं होगा मुझसे, कानों में कुछ नहीं डाला गाइस, ये छोटे छोटे से डले हुए हैं, तो घर में तो आपको पता ही, अगर आप रेडी हो रहे हो ना काम करने में, कंफर्ट आपको तभी है तब आप सिंपल रहो, तो इतना तो बनता है और इवनिंग में देखते हैं क्या होता है। तो बस आगे का काम करती हूँ, भूख लगी बहुत तेज, खाना बनाना है, पसीना आएगा, मेकअप गोन चलिए मिलती हूँ। तो बस मैं आ गई किचन में सैंडविच बनाने के लिए, बच्चों ने कहा सैंडविच खाना है तो पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। तो पनीर, टमाटो एंड कैप्सिकम थी, प्याज थी उसमें, थोड़ी सी डाली इसमें मैंने, ये था पिज़्ज़ा सॉस होते हैं ना, और थोड़ा मेयोनी, और थोड़े स्पाइसेस डाल दिए थे, सहजवान डाल दी थी, स्पाइसेस में ज़्यादा नहीं, नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी, और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था, मिक्स 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 प्रॉपरली। ब्रेड क्या किया मैंने, ब्रेड को लिया उस पर स्प्रेड कर दिया इसको थोड़ा थोड़ा करके ना, ब्रेड पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, ना ही ग्रीन सॉस लगाई थी ना ही रेड सॉस लगाई थी, क्योंकि इसमें स्पाइसेस और इतने हो गए थे ना कि फिर इसमें ज़्यादा मैं लगाती तो वो ज़्यादा चटपटे हो जाते, तो इसी वजह से बस मैंने ब्रेड पर सीधा इसे स्प्रेड करके, छोटे छोटे ब्रेड थे तो कट करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे इनको, मैंने बाद में भी इनको कट नहीं किया था, ऐसे ही खा लिया था, बट यकीन मानिए बहुत ही यम्मी लग रहे थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और इसके साथ मैंने क्या किया ना, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। आपने किक करके 2-3 ब्रेडों में स्प्रेड करके रख लिया करें, और क्रिस्पी होने तक पकाना, लाइक पहले गैस को तेज़ रखें फिर एकदम से कम कर दें, तभी इस पर रख कर उसको सेकें, घी तेल जो भी यूज करते हैं उसके साथ, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बने थे, क्योंकि हमारे फेस्टिवल में ना कचौरियाँ बनती हैं, तो कचौरी बनती है मेरे शाम को, तो मैंने फिर शाम को कचौरियाँ बनाई थी, सुबह ब्रेकफास्ट में यही बना लिया था, ब्रेकफास्ट नहीं कह सकते, थोड़ा लेट ही था, आई थिंक 12:30 बज गए थे, तो लंच में यही बनाया था, क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था, इतना हल्का फुल्का खा लिया था, तो बच्चों ने कहा सैंडविच खाने, तो बस सोच लो लंच या डिनर यही हो गया हमारा। और बाद में क्या किया ना, ब्रेड हो गए ख़त्म, तो ये देखिए मैं आटा रखा हुआ था ऑलरेडी, अब मैंने इसकी एक नई रेसिपी ट्राई की, बहुत यम्मी बनी थी, एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को दीजिएगा, खुद भी खाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो क्या किया ना, एक रोटी बनाई अच्छे से, उसको सेक दिया हल्का सा, और बस जो फूली ना उसको हटा देना है हमको, चिमटा लगा दिया उसमें तो वो बंद हो गई। इस पर थोड़ी सी मैंने रेड सॉस थी टमाटो केचप, ये मैंने स्प्रेड कर दी इस पर अच्छे से, और जो स्टफिंग थी ना तो उसमें थोड़ा बॉयल आलू डाल दिया, अगर आपके पास है डालिए, नहीं था तो वही जो आपकी स्टफिंग थी वो इसमें स्टफ कर दीजिए और इसको बना दीजिए। ये रोटी से सैंडविच इतना टेस्टी लगता है ना कि ब्रेड को भी फेल करता है, बहुत ही यम्मी बना था। एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, खुद खाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। क्रिस्पी होने तक मैंने इसको कम गैस पर सेका था,
बच्चों को ये उसी से ब्रेड से भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस जुगाड़ करिए, आपको पता है लेडीजें जुगाड़ करने में आगे रहती हैं। हेल्दी, सुपर हेल्दी था, कुछ भी कमी नहीं थी। आटे से बनी रोटी थी और स्टफिंग थी पनीर की। तो बस दूसरी रोटी ली, दो ही बनानी थी बस, एक उसको खानी थी एक मुझे खानी थी। तो बस स्टफिंग हो गई, स्टफिंग भी ठिकाने लग गई, रोटी भी बन गई और लंच की तरह अच्छे से पेट भर के खा भी लिया था। इसको भी हल्की गैस पे तेल डाल के या घी वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं सेक लिया और ये हो गई थी रेडी। बट मेरी सैंडविच, मैं बच्चों तो खा रहे थे हैंड टू हैंड, बट मेरी जो सैंडविच थी वो हो रही थी ठंडी, रखी तो गैस बंद करके फिर मैंने उनको तवा गर्म था तो उसी पर छोड़ दिया। तब तक मैंने अपनी चाय को गर्म किया और बस बैठ के इंजॉय किया। आ जाइए आप भी खा लीजिए, ये दो ब्रेड हैं और ये मेरा सैंडविच है रोटी का, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, बहुत ही टेस्टी बना था। और बस हम पहुंच गए अपने तीज के फेस्टिवल में, जो कि था 4:30-5 बजे से स्टार्ट। मैं चली गई थी, ये बहुत ही प्यारे प्यारे डांस हुए, इतनी अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत ही ज़्यादा मेरा मन लगा, यूं ही टाइम कट गया सच में। तीज का त्यौहार इतना प्यारा मनाना, सब मतलब बहुत ही दिल लगा मेरा। मेरी फ्रेंड्स गई थी, मैं गई थी, तो आप ना आगे की वीडियो तीज का त्यौहार इन्जॉय कीजिए।